हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। सो मेरे वेलोग वीडियो का टाइटल और थंबनेल दिख करता है, बेखूबी से समझ ही चुकी कि आज की ट्यूटोरियल खास करके सारे एचडीएफसी बैंक यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और उससे खास होने वाला है जो लोग गाइस एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आज के ट्यूटोरियल की टाइटल और थंबनेल में लिखा है कि एचडीएफसी इंस्टा लोन आप लोग कैसे ले। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, जिन लोगों का खास करके जो लोग एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या जो लोगों का एचडीएफसी बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है, उन लोगों को सिर्फ एचडीएफसी इंस्टा लोन का ऑफर मिलता है और ऑनलाइन में लिंक भेज देता है या ईमेल में जो एचडीएफसी से लिंकिंग ईमेल एड्रेस है या फोन नंबर है उन सब में मैसेज या ईमेल जाता है। तो एचडीएफसी लिंक पाने के बाद बहुत सारे कस्टमर्स जो है लोन नहीं ले पाते। तो आज मैं आप लोग स्टेप बाय स्टेप फुल गाइड के तहत हाथ पकड़ के ये दिखाने और सिखाने वाला हूँ कि कैसे गाइस आप लोग एचडीएफसी इंस्टा लोन घर बैठे एकदम 5 मिनट से पहले ही इंस्टा प्रोसेस में लोन ले सकते हो और सारा पैसा अपने एचडीएफसी बैंक अकाउंट या अदर्स बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए मेरे भाई लोग, वीडियो को बिना देर के फटाक से शुरू किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं आपका और हमारा अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। साइड में मेरा मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड आ चुका है, लेट्स गेट स्टार्ट। तो मेरे भाई लोग, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये है मेरा लिंक, मेरे व्हाट्सएप में आया है, आप लोगों के पास भी आया है। आप लोग आसानी से इस लिंक वाले लिंक में क्लिक कर लीजिए और लिंक में क्लिक करने के बाद सबसे पहले मेरे भाई लोग आप लोगों के पास ये आइडेंटिटी योरसेल्फ कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। इंटरव्यू रजिस्टर मोबाइल नंबर, सबसे पहले आप लोग अपना रजिस्टर यानी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट से जो रजिस्टर वाला मोबाइल नंबर है सिर्फ वही को दीजिए, क्योंकि ओटीपी का मामला है और हमारा जो प्राइवेसी है जैसे मोबाइल नंबर, जीमेल एड्रेस, कुछ भी हो, ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह, वो मैं हाइड कर चुका हूं, पहले बोल देता हूं। मोबाइल नंबर देने के बाद उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड का जो क्रेडिट कार्ड से आपके पास ऑफर आया है या कुछ भी हो उस क्रेडिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट का नंबर यहां पर दे दीजिए। उसके बाद आई हियर बाय एक्सेप्ट दैट माय पर्सनल डाटा मे बी हेल्ड, ये ब्ला ब्ला कुछ बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद कंप्लीट करके आई हियर बाय अलाउ द बैंक टू प्रोसेस, इसमें क्लिक करके आई अलाउ द बैंक टू रीच आउट टू मी विथ पर्सनलाइज्ड ऑफर्स, ठीक है, इसमें क्लिक करके व्यू लोन एलिजिबिलिटी, इसमें क्लिक कर लीजिए। अगर आपके पास ये लिंक नहीं आया है तो ये लिंक आप लोग इंस्टा में मुझे रिप्लाई देना, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद भाई आपके पास एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, उस ओटीपी को यहाँ पर देके आइडेंटिटी योरसेल्फ वाले बटन में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्रेडिट कार्ड नंबर ये है, मेरे पास 2 लोन का ऑफर है, एक है जंबो लोन का जो मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल लाया था, आज है इंस्टा लोन का। तो मैं नीचे वाले टैब में इंस्टा लोन में क्लिक करूँगा, 40,000 का लोन लूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लोन का जो टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पर लिखा होगा, लोन ईएमआई गेट्स एडेड ऑन योर मंथली क्रेडिट कार्ड बिल, यानी आपको कह रहा कि जो आपका जैसे कि ये लोन जो है आपके क्रेडिट कार्ड के मान के चलो 1 लाख अमाउंट है, तो आप लोग अगर 40,000 लोन ले लेते हो तो आपका क्रेडिट कार्ड का अमाउंट होगा 60,000, यानी क्रेडिट कार्ड के अमाउंट के डिपेंड पर ही इंस्टा लोन भाई आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसके लिए भाई आपके पास इंटरेस्ट तो लेगा ही लेगा। तो ये जो है आपके जो क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है, जैसे 22 तारीख को बिल बनता है और हम लोगों को 10 से 13 14 तारीख के अंदर पे करना पड़ता है, उससे अकॉर्डिंग 11 12 13 तारीख को ये लोन जो है पे करना पड़ेगा। उसका द लोन अमाउंट कम्स फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड लिमिट, ये लोन जो है क्रेडिट कार्ड लिमिट के ऊपर डिपेंडेंट है, हेंस इट विल रिड्यूस द अवेलेबल क्रेडिट लिमिट ऑन योर क्रेडिट कार्ड, जो मैंने कह दिया कि क्रेडिट कार्ड से जो लिमिट है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जो लोन आप लोगे मान के चलो 1 लाख, तो 40,000 ले लिए तो 60,000 रहेगा। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन में सिंपली से क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद भाई मेरे भाई आप लोगों के सामने ऐसा कुछ आएगा। तो ये 40,000 का लोन है, तो सबसे पहले 40,000 का 12 महीने का कितना है कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम लोग। 40,000 का 12 महीने का योर ईएमआई फॉर मंथ 3,622 और मंथली रेट मेरा है 1.30 और पर एनम के हिसाब से बोल रहा है और प्रोसेसिंग फी 999 यानी 1,000 से 1 रुपए कम भाई आपका ऐड होगा, ठीक है। तो ये जो गुल मिलाकर अगर 3,622 जैसे ये अगर आता है तो मैं अगर हिसाब करूं 12 महीने का तो 44,463 रुपीज पड़ता है, तो भाई 4,463 रुपए जो है ज्यादा पड़ता है। उस अकॉर्डिंग जो है 24 मंथ का हिसाब करूं तो भाई 47,823 यानी 8,000 के तकरीबन ज्यादा पड़ता है। अगर 36 मंथ का करूं तो मेरे भाई लोग आप लोग यहां पर देख सकते हो मेरे भाई लोग तकरीबन 11,000 से ज्यादा होता है, यानी जितने टाइम आप लोगे उस अकॉर्डिंग भाई आपका इंटरेस्ट घटेगा। तो मैं यहाँ पर 36 मंथ का यहाँ पर ले लेता हूँ। उसके बाद नीचे आता हूँ, यहाँ पर देखिए आप लोग कुरियर डीडी टू रजिस्टर एड्रेस, उसके बाद ट्रांसफर टू नॉन एचडीएफसी अकाउंट, तो मैं कुरियर डीडी में करूंगा। लेकिन भाई आप लोगों को दिखा देता हूँ जो लोग ट्रांसफर मनी टू नॉन एचडीएफसी, आपके अगर एचडीएफसी बैंक खाता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप ये लोन को ले रहे हो, तो ट्रांसफर मनी टू नॉन एचडीएफसी अकाउंट कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ भाई आपको यहाँ पर आना है।
आपका बैंक का आईएफएससी कोड देना है, जो सिटी या गांव में आपका बैंक है, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद वीटाई बैंक अकाउंट नंबर देके भाई आप लोग यहां पर जो है वेबसाइट ऑनलाइन यहां पर सारे टर्म्स एंड कंडीशन को आई एग्री वाले बटन में दोनों जगह में क्लिक करके आप लोग कंटिन्यू कीजिए। आपका यहां पर दिखा देगा कि लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, कितना ब्याज लेगा, सारा कुछ यहां पर दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली से आपका जो है चार्ट है वो भी आपको दिखने को लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से भाई आई एग्री में कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद भाई आपके ऊपर वी आर डूइंग ए रेस वन ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट यू जस्ट प्रोवाइड, आपके खाते में एक रुपये पहले भेज के देखेगा HDFC वालों, कंफर्म होने के बाद पूरा भेज देगा। तो मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं जो है DD में लाऊंगा यानी कुरियर करके। तो सिंपली से कुरियर DD टू रजिस्टर एड्रेस, उसके बाद आई एग्री वाले बटन में दोनों बटन में क्लिक करके कंफर्म कर दीजिए टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के। उसका कंफर्म कीजिए, उसके बाद OTP जाएगा, OTP 6 डिजिट OTP को दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर दिए कंग्रेचुलेशन योर लोन इज अप्रूव, DD विल बी कुरियर टू योर रजिस्टर एड्रेस, योर लोन इज रेफरेंस नंबर कुछ ऐसा है और अमाउंट नीचे लिखा है। तो इस तरीके से भाई आपको HDFC इंस्टा लोन को जो है अप्लाई करके सक्सेसफुली अपने बैंक खाते में क्रेडिट कर लेना है। तो आई की स्टूडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद आया, बहुत ज़्यादा मदद मिला। जो जो लोग HDFC यूजर्स हो अपने और इंस्टा लोन को लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। आपको अगर ऑफर मिला है, आपको जो रिमाइंड करना भूल गया है, तो आप लोग इस लिंक पे जाकर आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर और एड्रेस OTP दे करके आप लोन को जांच कर सकते हो कि आपको सही में HDFC इंस्टा लोन मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आई की स्टूडियो से आप लोग का काफ़ी ज़्यादा मदद मिला। वीडियो को थोड़ा बहुत पसंद आने पर एक लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे पॉजिटिव सा कमेंट्स कीजिए और आप मेरे इस वीडियो को छाड़ फाड़ के अपने दोस्त और फैमिली मेंबर्स को सारे ग्रुप्स और सोशल मीडिया में शेयर कर दीजिए दबा के, क्योंकि ये मेरा मेहनत का फल बेकार न जाए, क्योंकि आप लोगों के ऊपर ही सारा भरोसा है। तो फिर मिलते कल और एक 2000 कॉन्टे लेकर के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है, कोई भी टेक्निकल रिलेटेड इशू को रिजॉल्व करना चाहते हो या उसके ऊपर ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो मुझको फॉलो करके कृपया मैसेज कर दीजिएगा। तो फिर मिलते कल और एक 2000 कॉन्टे लेकर के, तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।